नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गीती भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने दी ट्रंप को बधाई। दी ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बढ़िया बातचीत हुई, उन्हें जीत की बधाई दी। तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर उनके साथ काम करने का इंतजार है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 538 में से 277 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों से 7 ज्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस बड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी पर हेमंत सोरेन का बड़ा हमला, कहा अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर की तरह पीछे से वार क्यों। उन्होंने एक समाचार पत्र का भी हेडलाइन शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि उनकी छवि को खराब करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगाने के बाद साक्षी मलिक को मिल रही धमकी, पीएम मोदी से मांगी मदद। भारतीय रेसलर साक्षी मलिक बीते कुछ दिनों से अपनी किताब को लेकर चर्चे में है। साक्षी ने इस किताब में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये तक बताया कि किस तरह ब्रिजभूषण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। साक्षी मलिक ने वीडियो शेयर करके ये दावा किया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही है। साथ ही रेसलिंग के भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। साक्षी मलिक ने वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में इस खेल का कामकाज देख रही है। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने की धमकी भी दी जा रही है। अमेरिका चुनाव के हार के बाद कमला हैरिस का पहला बयान, आदर्शों के लिए लड़ना जारी रखने का किया आग्रह। डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ट्रंप के साथ इस कड़े मुकाबले में प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक की उम्मीदवार कमला हैरिस को मात देने में कामयाब रहे। वो 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। वहीं कमला हैरिस ने हार के बाद अपने समर्थकों का आभार जताया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति पद की दौड़ में हार स्वीकार कर ली है। वॉशिंगटन डीसी में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण में उन्होंने अपने समर्थकों से आशा को जीवित रखने और उन आदर्शों के लिए लड़ना जारी रखने का आग्रह किया जिन्होंने उनके अभियान को आकार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुखी मणिशंकर अय्यर ने जताया अफसोस, कहा वैश्याओं के पास जाने वाले एक संदिग्ध चरित्र के आदमी। ट्रंप की जीत पर दुनिया भर के रिएक्शन आ रहे हैं और इस बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने ट्रंप को लेकर विवादित बयान दे दिया। अय्यर ने उनके चरित्र तक पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुख और अफसोस जताया। उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि वैश्याओं के पास जाने वाले एक संदिग्ध चरित्र के आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा संदिग्ध आदमी है जो कि वैश्याओं के मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे देता था। ट्रंप की जीत के बाद भारत और रूस के दोस्ती पर असर पड़ने का संदेह। असल में व्हाइट हाउस की एक नीति स्पष्ट दिख रही है, भारत रूस के ज्यादा व्यापारिक संबंध ना बनाए, इससे उलट वो अमेरिका से ही ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। अगर भारत को हथियार चाहिए तो वो अमेरिका को ही पहली प्राथमिकता दें। इसी तरह अगर सस्ते तेल की आशा भी भारत रखता है तो रूस से वो तो ना ही तेल खरीदे। अब ये वो नीति है जो बाइडेन प्रशासन के दौरान भी दिखी और उससे पहले ट्रंप कार्यकाल के दौरान भी दिखी थी। यासिन मलिक ला सकता है जम्मू कश्मीर में शांति, उसे जेल से बाहर निकालो, पत्नी मुशाल ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख और आतंकी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने अपने पति को बेकसूर बताते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। मुशाल हुसैन ने कांग्रेस सांसद से मांग की है कि वो यासिन मलिक का मुद्दा जो है वो सांसद में उठाए और उसे जेल से आजाद कराने का प्रयास करे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में योगदान दे सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखे अपने पत्र में मुशाल हुसैन मलिक ने लिखा कि यासिन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत मामले दर्ज किए गए हैं जिसके आधार पर उसे मौत की सजा सुनाए जाने की मांग तक की जा रही है। बता दें कि मुशाल हुसैन मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाहकार भी रह चुकी है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन, सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ देने की है मान्यता। 4 दिवसीय पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय छठी माता के साथ सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। छठ महापर्व कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। इस दौरान माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए छठी माता की विधिवत पूजा करने के साथ सूर्यदेव को अर्घ देती है। छठ के तीसरे दिन व्रती अपने परिवार के साथ नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्यास्त के समय कमर तक जल में खड़ी होकर अर्घ देती है और संतान की खुशियों की कामना करती है।
हवा में जहर, यमुना में प्रदूषण, दिल्ली में आर्टिफिशियल घाट पर होगी छठ पूजा। हवा में जहर, यमुना में प्रदूषण, दिल्ली में आर्टिफिशियल घाट पर होगी छठ पूजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यमुना नदी में छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और इससे श्रद्धालुओं को नुकसान होगा। अदालत ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पहले ही पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मिथुन चक्रवर्ती पर भड़काऊ भाषण के आरोप में 2 FIR दर्ज, FIR कोलकाता के पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 FIR दर्ज किए गए हैं। ये FIR कोलकाता के पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। मामला भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है। BNS की धारा 192 और 196 के तहत FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़स्कोप से जुड़े रहें। न्यूज़स्कोप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।